उधर समाचार प्लस पर बोले हैं सांसद सीपी जोशी, उन्होंने खास बातचीत की। पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा भारत में पहली बार 19 राज्यों में बीजेपी का शासन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजस्थान से लोकसभा सांसद सीपी जोशी जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जोशी जी, गुजरात और हिमाचल की जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने आप लोगों को संबोधित किया, क्या टिप्स उन्होंने दिए, क्या उन्होंने संदेश दिया? देखिए, प्रधानमंत्री जी का प्रमुख रूप से सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, और उन्होंने कहा कि किस तरह से पार्टी के पुरखों ने, पार्टी के प्रमुख लोगों ने इस पार्टी को किन विपरीत परिस्थितियों में, इस राष्ट्रवादी विचारधारा को आज यहाँ तक लेकर आए। आज देश के इतने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और ये पहला अवसर है जब देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके नेतृत्व में कोई पहली सरकार होगी जो केंद्र में रहते उनके भारतीय जनता पार्टी के अनेक राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी का शासन पहुंचा है। और लगातार हम देखें कि वेस्ट बंगाल के बाद लगातार 6 बार अगर रिपीट होने वाली कोई सरकार है तो गुजरात की सरकार है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में इस प्रकार का काम हुआ है, और हम मानते हैं कि उनका शुरू से ध्येय था कि जनता ने हमें जन सेवा के लिए चुन के भेजा है, हम लोग जितना समय क्षेत्र की सेवा के लिए, विकास के लिए दे सके उसमें देना चाहिए, और प्रत्येक जनप्रतिनिधि को इस दिशा में जिस प्रकार रात दिन मेहनत वो करते हैं, हर प्रतिनिधि को इस प्रकार का काम करना चाहिए। वहां भी देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। आपने देखा होगा पिछले धौलपुर के बाय इलेक्शन में जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी हजारों वोटों से जीती है, और आने वाले चुनाव भी निश्चित रूप से राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। बिल्कुल, समाचार प्लस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोशी जी का बिल्कुल साफ साफ कहना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा ऐतिहासिक जीत है, और आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी विकास के गुरु मंत्र को लेकर बीजेपी जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीत हासिल करेगी। संसद भवन से कैमरा पर्सन फैजल के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस के लिए।